अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज गीज़र के एक और मसले के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये गीज़र में एक मीटर लगा होता है जो बताता है कि आपके गीज़र का पानी कितना गर्म हो चुका होगा, जिससे आपके लिए इजी हो जाता है ये जज करना कि पानी इस वक्त कितना गर्म है। तो नाज़रीन, कुछ लोगों के साथ ये मसला है कि उनके गीज़र तो सही काम करते हैं, लेकिन उनका ये वाला मीटर सही वाला काम नहीं करता, उन्हें सही बताता नहीं है कि पानी कितना गर्म हो चुका है। और मीटर पे कम गर्म शो हो रहा होता है, लेकिन गीज़र के अंदर पानी फुल हॉट पे चला जाता है। तो आज नाज़रीन, इस मीटर को ठीक करने का तरीका देखते हैं, ये क्यों काम नहीं करता, क्यों काम छोड़ जाता है, और इसके ठीक करने का सलूशन भी आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, ये इसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है, अगर आपके गीज़र के ऊपर ये लगी हुई है तो ठीक है, अगर ये इस तरह की लंबी सी प्लेट नहीं लगी हो तो इस मीटर के दोनों साइड्स पे पेच लगे होते हैं, आप उनको भी खोल के इस मीटर को ओपन कर सकते हैं। अभी हम इसके बड़े वाली प्लेट के पेच उतार देते हैं, एक ये नीचे है। एक ऊपर है। लीजिए नाजरीन, ये हमारा मीटर हमारे सामने आ गया बिल्कुल। अभी हमने इसको एहतियात के साथ बाहर निकाल लेना है। नाजरीन, सिर्फ इतना सा मीटर है जो हमें इस गीजर के गर्म होने के बारे में बताता है। नाजरीन, ये इस होल में इस तरह मीटर लगा होता है इसके साथ, और हमें आप देख रहे हैं कि इसमें अंदर वाला इनर हमें नजर आ रहा है जिसके अंदर पानी होता है, और इसके साइड पे ये इंसुलेशन भरी होती है ताकि आपके ये जो आउटर है, ये वाला आउटर, ये गर्म ना हो, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला जो इनर है वो गर्म हो, ये बाहर वाला आउटर गर्म ना हो। और ये जैसे पानी वाला कूलर होता है उस तरह ये काम करता है, अंदर की चीज़ ज़्यादा देर गर्म रखने के लिए इसे इंसुलेट किया जाता है गीज़र को। और इसमें से नाज़रीन, ये समटाइम ये होता है कि यही इंसुलेशन आगे आ जाती है थोड़ी सी, और हमारे इस गेज का, इस मीटर का ये वाला हिस्सा जो सिल्वर कैप आपको नज़र आ रहा है, ये इस चादर के साथ टच नहीं हो पा रहा होता। हमें जब तक ये इस अंदर वाली चादर के साथ टच नहीं होगा तब तक ये मीटर सही वाला काम नहीं करेगा। अभी हम इसके ये कैप को चेक करते हैं, ये इसमें स्प्रिंग होता है और ये उस चादर के साथ टच होता है, ये वक्त के साथ साथ इसके स्प्रिंग की ताकत कम हो जाती है और ये उसके साथ या तो सही वाला टच नहीं हो पा रहा होता या उसके आगे कुछ आ जाता है। तो जब नाज़रीन पहले आप देखें कि आपकी ये चादर अंदर वाली नज़र आ रही है तो ठीक है अच्छे से, अगर अच्छे से नज़र नहीं आ रही तो इसके आगे कोई चीज़, इसकी कोई इंसुलेशन कोई चीज़ आगे आई हुई है तो उसको क्लियर कर दें, साफ़ कर दें, आगे से पीछे कर दें, उंगली से जगह बना लें इस तरह करके, और उसके बाद ये इसकी जो सिल्वर कैप है ये इसको आराम से खोलें, आराम से निकालें, इसके अंदर वाले स्प्रिंग को देखें और उसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि ताकि इसकी जो पावर है स्प्रिंग की वो ज़्यादा हो जाए और ये थोड़ा सा बाइक को निकलाए और उस बॉडी के साथ ठीक से, जब हम इसको इसके साथ लगाएं उस बॉडी के साथ ठीक से टच होना शुरू हो जाए, और जब ये उसके साथ टच हो जाएगा फिर ये इस सुई को सिग्नल देगा और सुई जैसे जैसे ये इसको सिग्नल मिलेंगे इसे अपने आप टेम्परेचर ठीक बताना शुरू कर देगी। अभी हम इसको फिर दोबारा इंस्टॉल करते हैं। ये हमने इसको दोबारा यहाँ पे इंस्टॉल किया और एक हाथ से आपने इसको छोड़ना नहीं है, एक हाथ से पकड़े रखना, वरना आपको स्प्रिंग इसको बाहर निकालेगा और आप जब दोबारा लगाएंगे तो वो हो सकता है ठीक जगह पे ना बैठे। उसके बाद इसकी वही प्लेट आपने दोबारा इसके ऊपर रख देनी है। और इसके दोनों पेच दोबारा से लगा देने हैं, फिर आपने चेक करना है कि आपका ये मीटर अब ठीक से काम करेगा इंशाल्लाह ताला। नाज़िम, ये सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर होने वाला काम है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसी से आपको आपको पता चलेगा कि आपका गीज़र कितना गर्म हो चुका है, आपने जो टेम्परेचर इसका सेट किया हुआ है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो देखकर इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।